शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाना डोंगरी नगर अध्यक्ष के पुत्र पर एट्रोसिटी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर कोरोना की अफवाह फैलाई थी। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वाना डोंगरी में रविवार की रात एक दलित पत्रकार पर 7 बदमाशों ने हमला करने से हड़कंप मच गया। अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रीय युवा मराठी पत्रकार संघ व राज्य पत्रकार संघ की ओर से हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबेडकरवादी पत्रकार सतीश भालेराव अपने निवास पर दिनांक 17 मई रविवार को करीब रात 9 बजे जा रहे थे। उन्हें आरोपी स्वप्निल सतीश शाहकार के 6 साथीदारों ने घेर लिया व हमला बोल दिया। पत्रकार सतीश भालेराव ने भी सभी का जमकर सामना किया। सतीश पर सभी भारी पड़ते दिखे तो भालेराव ने चोर चोर कर चिल्लाया तो पड़ोसी लोग दौड़े। तब आरोपी स्वप्निल सतीश शाहकार अपने साथियों के साथ भाग गया। पत्रकार ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी। तुरंत ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल सतीश को पुलिस ने एमआईडीसी थाना लाकर मेडिकल जांच कर आरोपी स्वप्निल सतीश शाहकार व साथियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के साथ ही महाराष्ट्र प्रसार माध्यम पर हिंसक कृत्य करने की धारा के तहत एमआईडीसी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है, लेकिन एक पत्रकार पर हमला होना लोकतंत्र पर हमला है। स्वप्निल शाहकार वाना डोंगरी नगर परिषद अध्यक्ष का पुत्र है। स्वप्निल के पिता सतीश शाहकार भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं। वाना डोंगरी में उनके खिलाफ इसके पूर्व के भी मामले दर्ज है। राजनीति में होने से पुलिस उन पर कार्रवाई करती नहीं, जिस कारण उनका हौसला बढ़ रहा है। स्वप्निल ने अपने साथियों को पत्रकार पर हमला कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बोल दिया है। यह जघन्य अपराध है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग विविध संगठन की ओर से राज्य से होने लगी है। पत्रकार सतीश भालेराव ने सोशल मीडिया के एक ग्रुप कोरोना संदर्भ में अफवाह फैलाने वाली जानकारी पोस्ट करने से भालेराव ने पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी को शिकायत की थी। इसकी खुन्नस में रहकर स्वप्निल शाहकार ने सतीश भालेराव पर हमला बोल दिया। इसकी जांच कर कार्रवाई की होती तो आरोपियों की यह हिम्मत नहीं होती। हिंगना वाना डोंगरी क्षेत्र में एक निपक्ष व गरीबों को न्याय देने के लिए पत्रकारिता करते हैं। अंबेडकरवादी पत्रकार होने से उनके राज्य में अच्छी पहचान भी है। यह सब आरोपियों को जानकारी होने के बाद भी हमला करते वक्त जातियों पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की जानकारी भी भालेराव ने दी है। भालेराव ने बताया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। आरोपियों को अटक करने की जानकारी एसएपी सिद्धांत शिंदे ने पत्रकार सतीश भालेराव को फोन पर दी। बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पत्रकार सतीश भालेराव ने की है। फेसबुक वर अपलोड केलेल्या एका खोट्या बातमीबद्दल पत्रकार सतीश भालेराव यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं। त्याचा राग मनात धरून स्वप्निल शाहकार आणि त्याच्या साथीदारांनी त्यांच्यावर हल्ला केलेला आहे। त्या हल्ल्यामध्ये पोस्टे एमआयडीसी येथे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट व पत्रकारतेविरुद्धच्या कलमांप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये यातील मुख्य आरोपी जो स्वप्निल शाहकार आहे याला अटक करण्यात आलेली आहे। त्याच्या साथीदारांचे काही साथीदार आहेत त्यांचे आम्हाला नावं कळालेली आहेत, त्यांचा आम्ही शोध घेत आहोत। ते मिळून येतात त्यांना अटक करण्यात येईल। सदर गुन्हा हा नॉन बेलेबल आहे, त्याला आम्ही अटक करून कोर्टात पाठवलेला आहे आणि बाकीच्यांचा शोध आम्ही घेत आहोत। सतीश भालेराव या पत्रकारांवर हल्ला झालेला आहे। 17 मे रोजी हा भ्याड हल्ला करणारे 6-7 आरोपी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, कठोर कारवाई व्हावी यासाठी आज आम्ही राष्ट्रीय युवा मराठी पत्रकार संघटनेच्या वतीने एमआयडीसी एसीपी शिंदे आणि पीआय खराबे यांना निवेदन दिलं। एसीपी शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की आम्ही त्यांच्यावरती ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत योग्य ती कारवाई केलेली आहे। आम्ही एसीपी शिंदे साहेबांचं आम्ही आभार मानतो की त्यांनी ताबडतोब ही कारवाई केली। पण महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांवर हल्ला होणं हे एक चिंतेची बाब आहे। असे हल्ले व्हायला नको। माननीय गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी
आणि पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांवरती हल्ले व्हायला नको याची दखल घ्यावी. आणि पत्रकारांवर जर हल्ले होत असतील तर पत्रकारांच्या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. तो कुठलाही जाती धर्माचा पत्रकार असो, पण पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी पत्रकारितेच्या कायद्यानुसार. हीच आमची मागणी आहे राष्ट्रीय युवा मराठी पत्रकार संघटनेची. इन बीच या न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट.